स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीलास किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसा डेजर्ट जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है, रसमलाई। जी हाँ, बिल्कुल हलवाई जैसी रसमलाई बनने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। रसमलाई बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 1.5 लीटर नॉर्मल मिल्क और 1 लीटर फुल फैट मिल्क। नींबू को अंदर पानी डाल दिया नींबू के रस के अंदर, और अब हम ये नॉर्मल मिल्क है उसे गर्म करेंगे। इसे एक उबाल आने तक गरम करेंगे। जब तक दूध गरम हो रहा है, हम अपना फुल फैट मिल्क भी गरम चढ़ा देते हैं, जिसकी हमने रबड़ी बनानी है। मैंने यहाँ एक नॉन स्टिक पैन लिया है ताकि मुझे ज़्यादा हिलाना ना पड़े। दूध में एक उबाल आ गया है हमारे, गैस बंद कर देंगे। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे, उसके बाद ही हम इसमें नींबू पानी मिलाएंगे। जो इसमें नींबू में और मैंने पानी डाल रखा है, हम इसे थोड़ा सा ठंडा होके, नहीं तो फिर अपना पनीर एकदम सख्त निकलेगा, जो कि अच्छा नहीं रहता रसमलाई के लिए। इसलिए हम थोड़ा वेट करेंगे, 5 मिनट बाद में जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें नींबू का पानी हल्का हल्का मिलाएंगे। लगभग 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें एक एक चम्मच करके नींबू का पानी ही डालेंगे और इसे मिलाते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा मिलाइए, थोड़ा थोड़ा डालिए और मिलाते रहिए इसे। देखिए दूध पूरी तरह से फट गया है, अब हम इसे एक छलनी में छानेंगे। छलनी के ऊपर एक कपड़ा रखूंगी ताकि हमारा पनीर अच्छे से इसमें आए। अच्छे से निचोड़ लेंगे, पूरा पनीर को टाइट करके बांधेंगे यहाँ पर हम लोग, ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। अब इसे 5-10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे। इसमें 1 गिलास पानी मैंने डाल दिया है ताकि इसके नींबू की जो गंध है वो निकल जाए और खट्टापन भी निकल जाए। अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। और 1 चम्मच इसमें हम कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे। इसे अच्छे से मथना है हमें 5 मिनट लगभग, तभी इसका बहुत बढ़िया रसमलाई बनेगी हमारी। अपने पाम से मसलिए, एकदम सीधा करिए इसको, देखिए इस तरह से। जब ये आटे की तरह आपको लगने लग जाए कि एकदम सॉफ्ट और बढ़िया बन गई है, तब आप इसे स्टॉप करें। इसे आपको 2-3 मिनट में भी हो सकता है, 5 मिनट भी लग सकती है। ये हमारा डो चिकना हो गया, तैयार हो गया। देखिए अब हम इसकी गोली बनाएंगे रसमलाई के लिए, छोटे छोटे। इसके लिए पहले हम अपनी चाशनी चढ़ा देते हैं। चाशनी के लिए यहाँ मैंने 2 कटोरी चीनी ली है और उसी कटोरी से नापकर 4 कटोरी पानी लिया है। इसे बॉईल होने देंगे। हम इसकी लोई बनाते हैं छोटी छोटी, रसमलाई की तरह शेप देके चिपका के एक एक लोई तैयार करेंगे हम इस तरह से। यहाँ पर यही फूल कर बहुत बड़ी हो जाएगी। अभी ये जो देखने में छोटी छोटी लग रही है, ये पहले हम इनके रसगुल्ले जैसे बनाएंगे, इनमें चाशनी भरेंगे। ये दूध भी हमारा लगभग आधा हो गया है, ये देखिए बहुत अच्छी रबड़ी बनकर तैयार हो रही है। इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, बादाम, पिस्ता और सैफ्रॉन। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा,
क्योंकि उसी से इसका कलर और एक फ्लेवर आता है सैफ्रन की वजह से, वो इसी से आएगा सैफ्रन की वजह से। अगर आप चाहें तो इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं। रबड़ी जब पूरी तरह से तैयार हो जाए तब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी, छोटी कटोरी चीनी और चुटकी भर इलायची पाउडर, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और सिर्फ 2 मिनट के लिए चीनी का पानी जल जाए उतनी देर तक इसे हिलाते हुए पकाएंगे। देखिए बहुत अच्छी बनी है हमारी रसमलाई की रबड़ी। फिर हम उसे बाद में रबड़ी में भिजाएंगे। चाशनी उबल गई है देखिए हमारी। हम एक एक करके इसमें डालेंगे। देखिए ये फूल कर डबल हो गई है, लेकिन हमें इसमें हमने हिलाना नहीं है, थोड़ी देर बाद में आप हिलाइए नहीं तो टूटने का डर रहेगा। और 15 मिनट तक हमें इसे चाशनी में उबालना है। 15 मिनट हो गए हैं, ये देखिए बहुत ही सुंदर से बनकर निकली है। अभी हम 2 मिनट इसे रहने देंगे। ये देखिए हो गई है, 2 मिनट ठंडी भी हो गई। और हम इसे निचोड़ कर एक एक करके जो हमने रबड़ी तैयार की हुई है रसमलाई के लिए उसमें डालेंगे, डिप करेंगे इन्हें। इसका रस आप निकालते रहिएगा नहीं तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। इस तरह एक एक करके सारी हम इसमें रसमलाई, अभी ये खाने के लिए तैयार नहीं है, इसे आप आधा एक घंटा कम से कम मिनिमम नहीं तो 4-5 घंटे रखिए तो ये इसका शोक कर लेगी ये दूध इसमें, देखिए तब इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। कम से कम 4-5 घंटे, मुझे पता है ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है क्योंकि इतनी अच्छी बनी है। रसमलाई बनके तैयार है, देखिए बहुत ही डिलीशियस बनी है, हलवाई वाली रसमलाई से भी ज़्यादा अच्छी। बस इसे थोड़ा देर और वेट कीजिए और फिर इसका मज़ा लीजिए। जी हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, और नए नए वीडियोस इसी तरह पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ ताकि उन्हें भी इतनी ही डिलीशियस रेसिपी बनाने का और खाने का मौका मिले। थैंक यू वेरी मच।